दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज 4 सितंबर का दिन है और मैं पहुंच चुका हूं हरकी पैड़ी। आज एक बार फिर से आप सभी को यहां से ताजा दर्शन कराएंगे और जो बारिश चल रही है लगभग 45 मिनट से, उसके बारे में भी अपडेट देंगे। कुछ देर पहले तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब बारिश कम हो और मैं हरकी पैड़ी पहुँच कर आप सभी को दर्शन करा सकूँ। तो आइए चलते हैं हरकी पैड़ी के सबसे मुख्य घाट के, आपको दर्शन कराते हैं। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर लगातार दर्शन भी होते हैं और यात्रा की सभी अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है। सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएंगे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। सबसे पहले आप नाई घाट के दूसरी तरफ बड़ी धारा जहाँ पर है, धनुष पुल के नीचे से जो धारा निकलती है, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। बारिश काफ़ी देर से हो रही है, इस वजह से हरकी पैड़ी के जो घाट हैं वो आपको खाली खाली नज़र आ रहे हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि आज सुबह से मौसम बारिश वाला बना है और अभी भी बादल पूरी तरह से छाए हैं और आज के मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज देर तक बारिश चलती रहेगी। सभी लोग शेयर जरूर करें वीडियो को। जय गंगे माता सभी लोग लिखेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लिखिए जय गंगे माता। आइए आपको ले चलते हैं आगे की ओर, आपको नाई घाट के अच्छे से दर्शन कराते हैं। इस तरफ देखिए गंगा जल का जो बहाव है थोड़ा सा कम किया गया है। परसों से जल में रेत की जो मात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से गंगा जल का बहाव लोअर साइड में है, लेकिन कम नहीं है। आराम से आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर नाई घाट के पास तो लहरें रहती हैं क्योंकि इस जगह पर धारा की चौड़ाई कम है। ये देखिए पतित पावनी माँ गंगे के दर्शन आप सभी कर रहे हैं। समय की बात करें तो सुबह लगभग 9:30 के आसपास आप सभी दर्शन कर रहे हैं। आपको मनसा देवी मंदिर दिखाना चाहेंगे। ऊंचे पहाड़ों पर माँ मनसा देवी का मंदिर है, आप सभी दर्शन करिए। ये देखिए जय माता दी। जितने भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ मनसा माता का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहेगा। अब मैं आपको ब्रह्मकुंड घाट की ओर, घंटाघर घाट की ओर लेकर चलता हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना मौसम, जब बारिश का होता है और जब हरिद्वार में बारिश होती है, हल्की हल्की बारिश हो, ज़्यादा ना हो, तो फिर अच्छा ही लगता है। गर्मी का आता पता नहीं रहता उस समय। जो लोग घाट पर मौजूद हैं वो पुल के नीचे अपने आप को बचा रखा है, बारिश से बचने के लिए लोग पुल के नीचे छुपे हैं। अभी हम आपको घंटाघर घाट, ब्रह्मकुंड घाट, मालवी घाट के दर्शन कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग रुके हैं। पहले से तो थोड़ी स्लो हो गई है बारिश, कुछ देर पहले तो इतनी ज़्यादा थी कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि बारिश रुके और मैं हरकी पैड़ी पहुँचूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ के दर्शन करिए। घंटाघर घाट के दूसरी साइड बड़ी धारा, जब बारिश हो रही हो धीरे धीरे ना और गंगा जी में स्नान भी कर रहे हो, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आज भी गंगा जल में रेत की जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की। आपको बताना चाहेंगे धीरे धीरे करके केदारनाथ धाम यात्रा जो है पटरी पर आ रही थी, यात्री बढ़ रहे थे, लेकिन फिर से परसों के दिन वहां पर लैंडस्लाइड थोड़ी सी हो गई है, तो उस दिन यात्रा रोक दी गई थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों को निकालना, आगे बढ़ने के लिए बोल दिया गया है, तो धीरे धीरे लोग चल रहे हैं। लेकिन अभी जो है पहाड़ों का भरोसा नहीं है, कई बार बारिश जो है ज़्यादा हो जाती है, तो जहाँ पर पहले से लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर भी हल्की हल्की फिर से होती रहती है। दोस्तों अब आप घंटाघर घाट को देख सकते हैं। ये है, ये देखिए घंटाघर घाट है, काफ़ी हद तक खाली खाली आपको नज़र आ रहा होगा और वजह आप जानते हैं, बारिश। और सामने की ओर देख सकते हैं सबसे मेन घाट है हरिद्वार का, सबसे मेन घाट ब्रह्मकुंड घाट आपके सामने है। दर्शन करते जाएं, जय गंगे माता सभी लोग लिखेंगे।
आइए गंगा जल की धारा के पास आपको लेकर चलते हैं। जल में जो रेत की मात्रा आ रही है ना, आप पास से देखेंगे तो आपको अच्छे से नजर भी आएगी। ये देखिए गंगा जल की धारा को देखिए आप लोग, और रेत अच्छी खासी नजर आ रही है। थोड़ी देर मैं शांत रहता हूँ, आप सभी माँ गंगे की जो धारा है कल कल करती हुई जो ध्वनि आ रही है आप लोग सुन सकते हैं। सामने संजय पुल देखिए, संजय पुल भी ऑलमोस्ट खाली ही है, बस थोड़े से श्रद्धालु नजर आ रहे हैं उस तरफ। अब मैं आपको लेकर मालवी घाट की ओर चलता हूं। दोस्तों अगर आप लोग आने वाले दिनों में चार धाम यात्रा का प्लान करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, यात्रा का पैकेज चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर जो पैकेज प्रोवाइड करते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। जानकारी जो भी लेनी है आप ले सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है, आप लोग वहां पर फॉलो जरूर करके रखें, क्योंकि वहां पर आप लोगों को ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। आप वहां मैसेज के द्वारा बात भी कर सकते हैं। ये देखिए ये है मालवी घाट, दर्शन करते जाएं आप सभी लोग। जब भी आप हरिद्वार आए ना, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, सफाई का विशेष ध्यान रखें। पन्नियाँ, पुराने कपड़े, रैपर्स ये देखिए पड़े हैं ना, अभी भी कुछ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कपड़े भी नजर आ रहे हैं, पन्नियाँ, रैपर्स, तो ये सभी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, सफाई रखेंगे, अच्छे से यहाँ पर स्नान करेंगे तो उसका आपको पुण्य मिलेगा। मालवी घाट और महिला घाट के मध्य में गंगा जल की धारा को देख सकते हैं। सामने महिला घाट है। अब जो है बारिश काफी हद तक रुक चुकी है। यहां पर देखना, आज की वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। जैसे ही बारिश का मानसून जो है खत्म होगा, फिर हम आपको हरिद्वार के बाहर उत्तराखंड के जो चार धाम यात्रा है और जो बाकी प्लेस हैं वहाँ की यात्रा शुरू करेंगे और वहाँ की जानकारी देंगे। अभी थोड़ा सा मानसून की वजह से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आप हरिद्वार ऋषिकेश को देखते रहें, कुछ दिन बाद बाहर भी जाएंगे। चंडी देवी मंदिर के पहाड़ आपको दिखाते हैं। उन पहाड़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा फॉग नज़र आएगा। पूरी तरह से चंडी देवी वाले जो पहाड़ हैं वो फॉगी हो गए हैं, पूरा कोहरा छाया हुआ है। वहाँ के व्यू दिखाते हैं आपको। ये सामने देखिए चंडी देवी मंदिर के पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, गंगा जी की धारा के उस तरफ देखना। और ये देखिए कितना कोहरा छाया हुआ है, पहाड़ भी सही से नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कोहरा छाया है, बादल छाए हैं, और उस तरफ मुझे लग रहा है कि काफ़ी तेज बारिश हो रही होगी। और थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो ये पहाड़ हैं चंडी देवी मंदिर के, और हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पर बड़ी धारा है, माँ गंगे की प्रतिमा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए माँ गंगे की एक सुंदर सी प्रतिमा, सभी लोग दर्शन करें। जय गंगे माता, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। भोलेनाथ भी हैं यहाँ पर। हाईवे के व्यू देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, देखिए आप लोग, ये हरिद्वार ऋषिकेश हरिद्वार देहरादून हाईवे है, हरिद्वार दिल्ली हाईवे भी कह सकते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आराम से स्मूथली ये जो है हाईवे चल रहा है इस समय। अब जो है बारिश थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, लेकिन मौसम ऐसा बना हुआ है कि फिर से बारिश हो सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ऐसा लग रहा है कि
दिन में कई बार बारिश होती रहेगी। मौसम पूरी तरह आज खुलने वाला नहीं है। अब मैं आपको लेकर संजय पुल की ओर चलता हूं और संजय पुल पे खड़े होकर आपको अच्छे से दर्शन कराऊंगा। अगर आपने नीलकंठ महादेव मंदिर की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में हमने नीलकंठ महादेव मंदिर की पूरा एक कंप्लीट ब्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने नीलकंठ महादेव मंदिर के साथ साथ झिलमिल गुफा, पार्वती माता जी का मंदिर, ये सभी कुछ एक ही वीडियो में हमने अपलोड किया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। काफ़ी बड़ी वीडियो बनी है और बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगी है, क्योंकि उस दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। नीलकंठ मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो वो वीडियो आपको मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर देखना। सामने संजय पुल है, यहाँ पर चलते हैं। अब चलते हैं संजय पुल में। ये है संजय पुल। मार्केट की तरफ थोड़े श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं, धीरे धीरे करके बारिश कम हुई है ना, तो श्रद्धालु को आना शुरू हो चुका है। देखिए अब जो है मार्केट की तरफ से कुछ श्रद्धालु आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बारिश के समय घाट खाली हो गए थे। जैसे ही बारिश रुकी है लोग आने लगे हैं। अब देखिए हर की पैड़ी के सबसे खास वाले नज़ारे यहाँ से दिखते हैं। संजय पुल में खड़े हो जाइए, फिर यहाँ के सुंदर नज़ारों को आप देख सकते हैं। हरिद्वार के कौन सी जगह की वीडियो आप देखना चाहेंगे, कौन से मंदिर की वीडियो आप लोग देखना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और आप लोग मैं हर की पैड़ी दिखाता रहता हूँ लगातार, और आप लोग देखते रहते हैं। कुछ बताइए हमें, नया कोई मंदिर बताइए जहाँ के दर्शन आप लोग करना चाहते हैं, और जिस मंदिर के ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी मंदिर की वीडियो हम पहले बनाएंगे। अब हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका कोई भी सवाल है हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा से संबंधित, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है, आप फॉलो कर लीजिए। जो भी जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।